गुड मॉर्निंग। मैं सुबह सुबह आप लोगों से जल्दी इसलिए मिली हूँ क्योंकि मैं आज कुछ बहुत बड़ी चीज़ बना रही हूँ। आप लोगों को देख के आप लोगों को लगेगा कि पता नहीं क्या ही बना रही है, तो चलिए देखते हैं। अब मैं हाथ हटाने वाली हूँ और ये देखिए मैं बना रही हूँ चाय, वो भी पतले वाले पतीले में। एक ये कटोरी है, कटोरी में चाय बना रही हूँ। एक्चुअली मैंने देखा है एक अंकल जी जो थे वो कटोरी में चाय बना रहे थे और हम वहाँ पे चाय पी थी, इतनी टेस्टी। उन्होंने कहा बेटा पतले वाले पतीले में चाय बनाओ ना, उसका टेस्ट ही अलग होता है। और हम अबिलीव नहीं मानेंगे, बहुत ही मज़ा आया था चाय पीने में। तो हमारी चाय जो है वो बन चुकी है, आप लोगों को बताती हूँ कैसे क्या बनी है। मैंने आज चाय बहुत ही शानदार बनाई है, जिसको मतलब पीने के बाद में ऐसे लगेगा पता नहीं मेरी नींद और आँखें सब चीज़ें गायब हो रही है, गायब होने वाले हैं। और ये बैकग्राउंड ये जो कचरा फैला हुआ है इसको मत देखना क्योंकि ये सारे मैं आज क्लीन करूँगी, मैंने ये सोचा है। बट ज़रूरी नहीं है कि आज हो पाए क्योंकि रोज़ यही हो रहा है। और किचन पूरा मैंने क्लीन कर रखा है, बस बर्तन समेटना है। और कान्हा जी अभी भी सो रहे हैं क्योंकि रात को उनको लेट सुलाया था, इससे उनको नींद नहीं टूटी अभी तक। और अक्षय जी कुछ बोलना चाहेंगे? थोड़े से बाल सही कर लूं मैं। फिर बाल सही करने की क्या जरूरत? मैं बाल सही करना नहीं, बताओ बताओ जल्दी बताओ, टाइम नहीं है इतना। सुबह का टाइम है और सुबह सुबह की चाय चल रही है और उसके बाद में मैं मेरे काम पे बैठ जाऊंगा। और इनको छोड़ो, साइड में रखो, हम हमारी बातें करते हैं। तो हम सुबह सुबह और कुछ नहीं करने वाले, मैं चाय बना रही हूँ, नाश्ते में कुछ नहीं बनाने वाली। और मैं यहाँ सोच रही हूँ कि खाने में क्या खाओगे बेबी? खाने के अंदर ये रोज मेरे से पूछती है क्या खाओगे, और बाद में जब मैं बोलता हूँ कि मैं ये खाऊंगा तो बोलते नहीं आज ये नहीं बनाएंगे। आज चिक्की बना ले बेटा, चिक्की जो तुम्हें अच्छा लगेगा, जो भी तुम्हें अच्छा लगे। तो आज चिक्की का मन है, चिक्की का एक्चुअली काफी टाइम से मन हो रहा है बट हम बना नहीं पा रहे ताकि हमारे लॉज वाली फैमिली नहीं देख ले वे, और उनको पता है ये सब बातें बट वो भी कुछ बोलते नहीं है। अभी मैं ज़्यादा गोरी लग रही हूँ क्या आज? यार मैं भी बहुत ज़्यादा वो लग रहा हूँ ना आज, मतलब हैंडसम। ऐसा कुछ नहीं, मैं दाढ़ी तक जाती हूँ। वाह यार, आई लव माई सेल्फ। अरे मुझे नहीं दिखा वापस, क्या वापस एक बार वैसे। तो गाइज ये मीम बन चुका है और ये मीम जाएगा लोगों के पास। थारा भाई जोगिंदर, जोगिंदर थारा भाई। तो सुबह सुबह हम चाय पीते हुए आप लोगों से मिल लिए और हमारे पुच्चू की हिंदत नीचे सुला दी है। बैकग्राउंड नॉइज आती रहती है तो डोंट माइंड प्लीज, बट इट मेक्स अस क्लोजर। क्रैशिंग डाउन अराउंड मी, वुड यू बी देयर शुड आई स्टंबल अ फॉल, पिक अप द पीसेस। बुच्चू तुझे ये सब गाने में नहीं गिनाने वाली। और मैं क्या इधर करेला बना रही थी आज सब्जी, तो मैं देख रही थी करेला और कुछ मतलब और उगा है क्या कुछ करेला, तो करेला की फूल है बहुत सारे। और है ना इधर गाइस क्या है कि बहुत सारे वो तुलसी जी के पौधे हो रखे हैं, अभी हटा भी नहीं सकते, क्या करें समझ ही नहीं आता है। फिर मैंने रोटी सब्जी बना दी, करेले आलू प्याज टमाटर की सब्जी बना दी और रोटी के साथ में। और मैं पहले करेला खाती नहीं थी, अब जब से ये बना के खाती हूँ इतना टेस्टी लगता है कि मज़ा ही आ जाता है। सो मैं आ चुकी हूँ नहा के, पूजा पूजा कर लिया, सारा काम कंप्लीट है, खाना वाना भी खा लिया और यहाँ पे कुछ लगा हुआ है कुछ नहीं। तो अब क्या है, पूछू जी को है, इनको लगी है भूख, तो अब इनको थोड़ा बहुत कुछ खिलाना है करना है। पेट दिखा के बेचारा सोता है कि मुझे भूख लगी है मुझे कुछ खिला दो। तो अभी मैं बस वेट कर रही हूँ कि अक्षय जी बस चाय बना ले तो थोड़ा सा हो जाएगा काम जल्दी। अब देखते हैं हस्बैंड क्या करते हैं उस रूम में। लॉक लगा हुआ है, अपन धीरे से पहले लॉक खोल देंगे जो कि खुल नहीं रहा मेरे से। खुल गया तो ये है पति, चल रहा है इनका काम। बेबी
आप चाय बनाने जा रहे थे ना, कौन करेगा चाय, कौन बनाएगा? मेरी पत्नी नहीं, मैं नहीं बना रही, प्लीज़ बना दो ना, प्लीज़ यार। देखो आज मैं ना, मैं सही में मैं नहा के आ रही थी ना, मैंने कहा बढ़िया अभी मैं ना बाल धो के नहा रही हूँ, अब गरम गरम चाय, गरम गरम चाय मिलेगा, ये सोचा था। और गाइज मैं ये बोल रही हूँ, अगर आज ये इंसान चाय नहीं बनाया मेरे लिए तो मैं शायद 2 दिन के लिए लीव पे जाऊँगी, चाय नाश्ता और खाने में। 2 दिन नहीं, 3 दिन, 3 दिन मैं खाना नहीं बना रही, ये इंसान जाने इनका काम जाने। या तो आप चाय बना लो, सीधी सीधी बात है, अगर चाय नहीं बना रहे हो तो मैं 3 दिन के लिए कुछ नहीं बना रही, ये मैंने चैलेंज ले लिया है। अगर आज मुझे चाय मिल जाता है तो मैं 3 दिन के लिए सारा काम करूँगी, अगर चाय नहीं मिलता है तो मैं रेस्ट पे जा रही हूँ। चलो गाइस मैं नहा के आ चुकी हूँ, ला 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 ला। तो ये इंसान मेरे डर से, जो इनको लगा था कि 3 दिन तक खाना नहीं मिलेगा, खाना नहीं बनेगा, 3 दिन तक कुछ नहीं होगा, तो ये इंसान फाइनली मेरे लिए चाय बना के लाए। थैंक यू सो मच बेबी, बहुत ही अच्छा लगा, इसे रोज़ करा करो। नमकीन कहाँ है मेरा? सही में ऐसे धड़का के बात करती हूँ, मुझे ऐसे लगता है बेचारा मेरे से डरता है। एन वैसे आएगा, डर रहे हो क्या मेरे से? हैं, अभी आज ही एक बात बता रहा हूँ। हाँ। मेरे है ना एक, थैंक यू सो मच, डोंट वरी बी हैप्पी। बेस्ट पार्ट है, अरे रुक जाओ अक्षय जी, मैं वही बता रही हूँ। अभी का जो बेस्ट पार्ट है वो है इधर कोको गीला हो रहा है और इधर बहुत ही बढ़िया वाला बारिश हो रही है। अरे हाय मज़ा आ गया बारिश देख के, और मेरे सारे ये पौधे जो है थोड़े जान आ जाएंगे इनमें। अब कोको को इधर से हटाना है, कोको को बारिश हो गया भाई, कोको को सीधा बाहर, कोको उधर हॉल में चलो, हॉल में चलो, इधर नहीं, हॉल में, हॉल में, हॉल में, हॉल में, हाँ इधर रह जाओ। और इसी के साथ किचन मैस हो रखा है पूरा, और मैं इधर बना रही हूँ टिक्की, जो कि मैंने तवा में बनाया हुआ है, शायद जल रहा है धीरे धीरे मेरे हिसाब से, नहीं जला नहीं है बट थोड़े टाइम और रुकेगा तो जल जाएगा बस। इसमें मैंने ना थोड़ा नूडल्स भी डाल दिए टिक्की में, तो कुछ अलग सा फ्लेवर आए। और मैंने इधर मसाले बनाए हुए हैं थोड़े, चाइनीज़ मसाला, चाइनीज़ मसाला में कुछ नहीं है, इसमें सेजवान सॉस है और मेयोनीज़ है और टमाटो सॉस और ग्रीन चिली सॉस। बस ये बनते ही इसके अंदर डाल देंगे, फिर इसको कट करके खाएंगे और गैस कर देंगे बंद। इधर क्या है, पुच्चू बोल रहा है मैं भी खाऊंगा थोड़ा सा, है ना पुच्चू? पुच्चू को खाना है यार। अक्षय यार आपके पाँव के बाल आप हटाओ यार, ये अच्छे नहीं लग रहे। मैंने क्या बोला, ये मर्द की निशानी, मर्द की काय के निशानी यार, ये वैक्सीन करा ले करो आजकल, ये कराने लग गए लड़के भी। के बुची बुची बाई बुची बाई, आपको दिख रहा होगा किचन मैंने पूरा क्लीन कर दिया है, बाकी फिर भी मेरे अभी ये काम पेंडिंग है, ये मुझे पूरा क्लीन करना है अच्छे से, और ये भी क्लीन करना है, बाकी सारा मैंने क्लीन कर दिया, इसको भी पूरा अच्छे से थोड़ा सा अरेंज किया, ऊपर ये सामान पड़े इसको थोड़ा क्लीन करना है, और इधर भी थोड़ा सामान मुझे क्लीन कराना है। अब देखो कैसे टाइम मिलता है, ये सब अरेंज करना है, अब क्या करें, कितना सारा काम करें। फ्रिज
हम यहाँ पे थोड़े बाहर आ गए थे शाम को, मुझे क्या रात को खाना बनाना नहीं था तो पानी पूरी खाने के हिसाब से हम लोग थोड़ा सा बाहर आ गए थे। और इधर पूछू के साथ में मैं इसको है ना, ये जब बाहर जाता है खाली इसे देखता रहता है सारी चीज़ें कि क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं ये लोग। आते वक्त क्या है, इधर अक्षय जी क्या है पान लेके आ गए थे, मीठा पान। मैं एक्चुअली चॉकलेट पान के लिए बोला था तो बोले कि मीठा पान ही था, उनके पास चॉकलेट पान ख़त्म हो गए थे, उनको ऑर्डर पे बनाते हैं वो। और पान कितना मस्त था ना, मैंने कभी इससे पहले मैंने पान नहीं खाया था मीठा पान इस तरीके का। आज मैं फर्स्ट टाइम पान ट्राई किया। और वहाँ पर ना कुछ सेल लगा हुआ था पान में उनके, मतलब रात हो गई थी तो वो सस्ते में दिए थे, 30 रुपये में 2 पान दे दिया था उन्होंने, 15 रुपये पर पीस दिया था। बाकी जनरली वो बहुत महंगा ही बेचते हैं। चॉकलेट का एक प्लेट आई हुई थी वैसे इसके अंदर, और बहुत ही टेस्टी थी ये पान, मुझे भी बहुत अच्छा लगा खा के। तो हम जाके आ चुके हैं वहाँ से, हम गए थे थोड़ा सा बाहर खाना वाना खाने के हिसाब से, खाना तो नहीं बोल सकते इसको, ये हमने थोड़ा बहुत जैसे पानी पूरी वगैरह यही सब खा के आई मैं। और अभी क्या बहुत ज़्यादा ही थक गए, और मुझे एकदम से याद आया कि मैं ब्लॉग नहीं बनाई थी गुड नाइट वाले ब्लॉग, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं गुड नाइट वाले ब्लॉग ही बना देती हूँ। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, और कैसा लगा आपको मेरा वीडियोस, अच्छे लगे नहीं लगे आप लोग शेयर कर दिया करिए और सब्सक्राइब कर दिया करिए। गाइस गुड नाइट तो बोल दिया था हम लोगों ने, बट होता क्या रोज़ ही आजकल थोड़े से मतलब नींद आने जैसा ही होता है कि भूख लगने लग जाती है। हम लोग डाइटिंग पे भी है और ये भी दिक्कत है, तो मैंने आधी रात को वापस कुछ बनाया वो दिखा रही हूँ। और ये ही इंसान है जो बोल रहा था कि नहीं मैं कुछ नहीं खाऊँगा, कुछ नहीं बनाना है। और ये क्या है बेबी, हम ये खाने के बाद पक्का सो जाएंगे, वापस कुछ नहीं बनेगा खाने के लिए, क्योंकि अभी रात के 2 बज रहे हैं, हमें भी अच्छा नहीं लगता घर पे कुछ खाना बनाते, तो आसपास पड़ोस वाले भी परेशान होते होंगे कि ये लोग रात को आधी रात को क्या करते हैं घर में, क्या खाना बनता है इनके आधी रात को।